मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में। मैं हूं आपका शेफ अमित। दोस्तों, अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि खाने को टेस्टी बनाने के लिए गर्म मसाला यूज़ करना चाहिए या फिर बहुत सारे पाउडर स्पाइसेस डालेंगे तभी खाना टेस्टी बनेगा। वेल, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ डिशेज़ हैं जिसमें बहुत ही मिनिमम या फिर ना के बराबर ही इन्ग्रीडियंट यूज़ करके खाना टेस्टी बनाया जाता है। हमारी आज की डिश भी एक ऐसी ही डिश है जिसमें ना हम यूज़ करेंगे घी, ना हम यूज़ करेंगे ऑयल और ना ही यूज़ करेंगे कोई पाउडर मसाला। उसके बावजूद भी ये डिश होगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी नमकीन गोश्त। दोस्तों, आज की हमारी डिश की शुरुआत होगी इस प्रेशर कुकर से। अक्सर मटन को पकाने में लगता है 1 से 1.5 घंटा, पर क्योंकि हम इस डिश को घर में बना रहे हैं तो ये प्रेशर कुकर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैंने ले लिया है 1/2 किलो मटन और इसे मैं इस प्रेशर कुकर में डाल रहा हूँ। इसमें हम डालेंगे ये 2 प्याज जिन्हें मैंने 1/4 में काट लिया है, 2 बड़े प्याज। अब हम इसमें डालेंगे होल स्पाइसेस और बहुत ही कम, जैसे कि सिर्फ 1 दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 1 छोटा पीस जावित्री, 2 से 3 इलायची, कुछ लौंग और काली मिर्च के दाने। साथ में मैं डाल रहा हूँ कुछ बेलीफ यानी तेज़पत्ता। तो जैसा मैंने आपको बोला, इस डिश में कोई पाउडर स्पाइसेस नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे। इसमें हम डाल रहे हैं ये अचार वाली मिर्च जो कि बहुत तीखी नहीं है। इसे मैंने 1 मिर्ची को 3 पीसेस में काट लिया है और मैं 3 से 4 मिर्ची इसमें डाल रहा हूँ। इसमें हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और इस डिश का मेन इन्ग्रीडियंट है ये मटन की चर्बी। ये मटन की चर्बी का मैंने कीमा बना लिया है और ये 50 ग्राम चर्बी मैं इसमें डाल रहा हूँ। अगर आपकी अच्छी दोस्ती है आपके बुचर के साथ तो वो आपको अलग से ये मटन की चर्बी निकाल के दे सकते हैं, जिसे आप घर में या उनसे ही कीमा करवा सकते हैं। इस डिश का नाम है नमकीन गोश्त, तो इस डिश में अब जाएगा नमक। और इस प्रेशर कुकर में डाल देते हैं हम थोड़ा सा पानी। वैसे तो मटन का अपना पानी, प्याज का अपना पानी भी इस डिश में काफ़ी आएगा, पर क्योंकि हमें इसे बंद कर पकाना है तो थोड़े से पानी की ज़रूरत है। ये करीबन 1 गिलास पानी मैंने इस डिश में डाल दिया है और अभी मैं इसे ऐसे मिक्स कर लूँगा। अब लगा देते हैं अपने प्रेशर कुकर का ढक्कन और इस मटन को कम से कम 6 सीटी आने तक पका लेते हैं। सो ये मटन में हमारे 6 सीटियाँ आ गई हैं। अब 1 सीटी का और कर लेते हैं इंतज़ार, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा मटन अच्छे से पक जाए। तो लीजिए, आ गई 7वीं सीटी भी। अब कर देते हैं गैस को ऑफ। सो जब तक हमारे प्रेशर कुकर से स्टीम निकलती है, इस डिश के नेक्स्ट स्टेप की कर लेते हैं थोड़ी सी तैयारी। मेरे पास ये 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं जिसे मैं थोड़ा क्रश कर लेता हूं और साथ में ले लेते हैं ये मिर्ची और इन्हें कर लेते हैं स्लिट। इसे ऐसे 1/2 में काट लेंगे। अब हमारी स्टीम भी पूरी निकल गई है प्रेशर कुकर से। ये देखिए हमारा फैट कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है और ये मेल्ट होके पूरा सरफेस के ऊपर आ गया है और प्याज भी अच्छे से गल गए। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं इस डिश का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमें कढ़ाई लेनी है जिसे मैं ऑन कर रहा हूँ, जिसे आप मंदी आंच पे ऑन करेंगे, और मैं इसमें डाल रहा हूँ ये थोड़ी और चर्बी जो मैंने अलग से रखी हुई है। इसमें हम डालेंगे अपने गार्लिक और इन्हें हल्का सुनहरा कर लेंगे। जब तक गार्लिक हमारा ब्राउन हो रहा है तब तक हम दही की तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिया है 200 ग्राम दही जिसमें मैं डाल रहा हूँ 200 ग्राम पानी। इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर हमने इसीलिए डाला क्योंकि दही अक्सर पकाते वक्त फट जाता है, कॉर्नफ्लावर की वजह से हमारी दही स्प्लिट नहीं होगी। अब ये गार्लिक हमारा अच्छा ब्राउन हो गया है, इस समय हम इसमें डाल देते हैं अपने मटन को। अब हम आंच को बढ़ाते हुए इस मटन को 5 मिनट पकाएंगे, जिससे कि इसका पानी थोड़ा सूख जाए और हम इसमें डालेंगे दही। अब जब तक हमारे मटन में ये पानी रिड्यूस हो रहा है, हम अपने दही को साइड में पका लेते हैं। हम अपने दही को एक ठंडे पैन में ऐसे डाल देते हैं। अब हम अपने दही की गैस को ऑन करते हैं और इसे बिल्कुल मिनिमम पे रखते हुए दही को धीरे धीरे पकाएंगे। और इसी बीच में ये जो हमारी मिर्ची जो हमने शुरू में मटन में डाली थी, इसे हम निकाल लेते हैं और साथ में निकाल लेते हैं इस तेज पत्ते को भी। अब आप देख सकते हैं ये हमारा मटन अच्छे से गाढ़ा हो गया है, सारा पानी इसका उड़ गया है। इसे हम अभी ऑफ़ कर देते हैं। अब ये दही भी हमारा गाढ़ा हो गया, इसे भी कर देते हैं ऑफ़ और इसे इसमें मिला देते हैं।
अब गैस को ऑन कर लेते हैं और याद रहे आपको इसे मंदे पे ही रखना है और दही को धीरे धीरे इस ग्रेवी में मिलाने लगते हैं। अब इस समय इसमें डाल देते हैं ज़ाफ़रान जो हमने सोख कर रखा हुआ है गर्म पानी में। और इसे हम ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। अब करीबन 10 मिनट हो गए हैं, हमारा मटन आराम से पक रहा है। इसे ज़रा खोलकर चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा मटन कितना खूबसूरत हो गया है, फैट सेपरेट हो गया है, ग्रेवी अच्छी बन गई है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी ये मिर्ची जिन्हें हमने काट कर रखा हुआ है और इन्हें एक बार मिक्स कर देते हैं। साथ में डाल देते हैं थोड़ा गर्म पानी हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और साथ में डाल देते हैं जिंजर जूलियन। तो लीजिए तैयार है हमारी डिश। गैस को करते हैं ऑफ और इसे करते हैं सर्व। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ज़ाफ़रानी नमकीन गोश्त? मैं करता रहूँगा आपको सरप्राइज ऐसी नई नई और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ के साथ। आप देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।